हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मानव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेनिश थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है मार्सलैंड। फिल्म का रेटिंग बहुत ही अच्छा है और इसका एक खास बात है इसके ब्यूटीफुल सीनरीज जो वाकई में कमाल की है। तो अभी बिना देरी किए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होता है September 20, 1980 से। डीप साउथ के एक छोटे से शहर बैकवाटर में उत्सव के दौरान दो लड़कियां गायब हो जाती हैं और इसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दो डिटेक्टिव्स जुआन और पेरो को वहाँ भेजा जाता है। वो दोनों शाम के वक्त वहाँ जाकर पहुँच जाता है और एक होटल में रुक जाता है। कुछ देर बाद वहाँ दो पुलिस वाले आते हैं जो उन्हें उस केस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सीनियर पुलिस वाला कहता है कि बड़ी बहन का नाम एस्ट्रेला है जिसकी उम्र है 17 साल और छोटी बहन का नाम है कार्मेन जिसकी उम्र है 15 साल। उन दोनों लड़कियों को लास्ट टाइम शहर के किनारे घाट के पास देखा गया था जहां पर उनके पिता रिगो बोट चलाता है। पुलिस वाला कहता है कि दोनों लड़कियां चलते हुए घर जा रही थी और फिर इसके बाद एक पड़ोसी ने देखा कि एक गाड़ी आया और वो दोनों उस गाड़ी में बैठकर चली गई और इसके बाद से ही दोनों गायब है। पेरो के पूछने पर वो पुलिस वाला कहता है कि ये 3 दिन पहले की बात है। इसके बाद जुआन फेस्टिवल में जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठकर गप्पे मार रहा होता है। जुआन उन लोगों को शराब पिलाता है और उनसे उन्हें पता चलता है कि वो दोनों लड़कियाँ शहर छोड़कर जाना चाहती थी। अगले दिन वो दोनों उन लड़कियों के घर जाते हैं और उनके बेडरूम में छानबीन करने लगता है। वहाँ उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट कार्ड मिलता है जिसमें लड़कियों के लिए काम है ऐसा लिखा होता है। पेरो उनके माँ बाप से पूछता है कि क्या उन लोगों में कोई बहस हुआ था जिस पर वो दोनों ना कहता है। पेरो पूछता है क्या घर का कोई चीज गायब है, जिस पर उनकी माँ रोशिता कहती है कि एस्ट्रेला का बैंक पासबुक और उनके कपड़े गायब हैं। जुआन के पूछने पर उनके डैड रिगो कहता है कि उनकी बेटियाँ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी और ये भी कहता है कि उनका किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। इसी बीच पेरो को उनके घर के पीछे एक सेटरन कार दिखता है और वो पूछता है क्या घर से पैसे भी गायब हुआ है। इस पर रिगो थोड़ा भड़क जाता है और गुस्से में उनको थोड़ा सुनाकर वहां से चला जाता है। रोशिता चुपके से जुआन को एक लिफाफा देती है और कहती है कि इसके बारे में रिगो को मत बताना क्योंकि वो पहले ही अपनी बेटियों की वजह से बेइज्जत हो चुका है। इसके बाद दोनों वहां से चला जाता है और गाड़ी में बैठकर उस लिफाफा को खोलता है। उसमें एक रोल का टुकड़ा होता है जिसमें वो लोग देख पाते हैं कि उसमें एस्ट्रेला और कार्मेन की प्राइवेट मोमेंट्स की कुछ तस्वीरें हैं। इसके बाद वो दोनों जाकर उनके फ्रेंड से पूछताछ करता है और इसी बीच कोई आकर खिड़की को खटखटाने लगता है। वो लड़कियां कहती हैं कि वो मरीना का बॉयफ्रेंड क्वीनी है और फिर इसके बाद वो सभी चले जाते हैं। अभी पेरो और जुआन जाकर उस पड़ोसी से मिलता है जिसने उन दोनों लड़कियों को गाड़ी में बैठते हुए देखा था। वो औरत कहती है कि वो सभी गाड़ी के सामने हंसी मजाक कर रहा था जैसे कि वो सभी एक दूसरे को जानते हों। जुआन उसे दो सेटन का मॉडल स्केच करके दिखाता है जिसमें से उन्हें पता लगता है कि वो एक TN6 मॉडल की कार थी। पेरो जुआन को कहता है कि उसने रिगो के बैकवर्ड में भी एक येलो TN6 कार को देखा था। वो दोनों गाड़ी में बैठने वाले होते हैं कि तभी एक आदमी आकर उनसे कहता है कि उनकी मालकिन एंजेलेटा उनसे बात करना चाहती है और फिर इसके बाद वो उन दोनों को बोट में बिठाकर जाने लगता है। जाते वक्त वो उनसे कहता है कि एंजेलेटा सोते वक्त मुर्डो से बात करती है। जब वो दोनों वहां पहुंच जाता है तब एंजेलेटा उनसे कहती है कि मैं पिछले 2 रातों से अपनी मरी हुई माँ से बात कर रही हूँ। माँ ने उन दोनों लड़कियों को पुराने फार्म हाउस में देखा था जहाँ पर लोग भूत के डर से आवाजाही नहीं करता। फिर इसके बाद वो जैसे ही जुआन को देखती है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। जुआन पूछता है कि क्या कोई परेशानी है, जिस पर एंजेलेटा ना कह देती है। इसके बाद वो दोनों उन पुलिस वालों के साथ उस फार्म हाउस में जाता है जहाँ एक कुएं से उन्हें एस्ट्रेला की बैग मिलता है। उसे खोलने पर उसके अंदर उन्हें एस्ट्रेला की होश मिलता है। अगले दिन वो लोग फार्म हाउस के आसपास छानबीन कर रहा होता है कि तभी एक आदमी एक हिरन के बच्चे को लेकर भागने लगता है। वो दोनों उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है। पूछने पर वो अपना नाम जीसस बताता है और कहता है कि उसके पास यहाँ शिकार करने का परमिट नहीं है इसलिए वो भाग रहा था। जुआन कहता है कि मैं तुमसे परसों रात उत्सव में मिला था, राइट? जिस पर जीसस कहता है कि हाँ, उस दिन का नशा आज भी सर में दर्द कर रहा है। उसी वक्त पुलिस वाले भी आ रहे होते हैं जिस पर जुआन उसे जाने देता है। नेक्स्ट सीन में दो आदमी गाड़ी में हंस ले जा रहा होता है और फिर रास्ते में पेशाब करने रुक जाता है। जब वो सड़क के किनारे जाता है तो देखता है कि किसी ने वहां एक लड़की को मार के फेंक दिया है। इसके बाद वहां पुलिस आ जाता है और छानबीन करने पर उन्हें एक और लड़की की लाश मिलता है। वो दोनों लड़की और कोई नहीं बल्कि एस्ट्रेला और कार्मेन होती है। पेरो ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था इसी वजह से वो गाड़ी के पास जाकर उल्टी करने लगता है।
इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट लिखता है कि उन दोनों लड़कियों को पहले रेप किया गया और फिर बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। उनके ब्रेस्ट और पीठ में जख्म किया गया है और यहाँ तक कि एक के हाथ को बुरी तरह जला दिया गया है और दूसरे के 3 उंगलियों को काट दिया गया है। और ये सब उन लड़कियों के जिंदा रहते ही किया गया है। जुआन के पूछने पर पुलिस कहता है कि ये रोड नदी की तरफ जाता है। उसी वक्त एक न्यूज रिपोर्टर आकर तस्वीर लेने लगता है, जिसे देखकर जुआन फौरन उसके पास जाता है और उसे धमका कर भगा देता है। उनका बॉस कहता है कि इस केस को जितना जल्दी हो सके कड़ाई से सॉल्व करो और मैं वादा करता हूँ कि तुम दोनों को इसका इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जुआन जाकर रिगो और रोशिता को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत रोने लगते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। वो दोनों फिर होटल चला जाता है, जहाँ पर एक स्टाफ जॉन को एक पैकेज देती है, ये कहकर कि किसी ने सुबह आकर उसे लेटर देने को कहा है। उसमें उन दोनों लड़कियों के रोल वाले फोटोज होते हैं, जिसमें वो लोग देख पाते हैं कि एक इंसान के हाथ में एक ट्रायंगल टैटू है और उस कमरे की दीवार पर एक हिरण का सिंग लगा होता है। आधी रात को होटल में एक आदमी आ जाता है, जिसके पास एक शॉटगन होता है और वो पूरी तरह नशे में धुत रहता है। पैरों के बैज दिखाने पर वो शॉटगन नीचे करता है और कहता है कि वो उनसे बात करना चाहता है। उसका नाम केस्ट्रो होता है और उसके बातों से उन्हें पता चलता है कि उसकी प्रेमिका बिट्रिज और एक दूसरी लड़की एडेला को भी इसी तरह मार दिया गया था। बिट्रिज को काटकर नदी में फेंक दिया गया था, इसी कारण पुलिस को बस उसका पैर ही मिला था। केस्ट्रो कहता है कि बिट्रिज को डाकोस्टा डेलसोल में नौकरी मिली थी, जिसके लिए वो जा रही थी और फिर किसी ने उसको मार डाला। सीन यहीं पर कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव्स बिट्रिज के सूटकेस को, जिसे पुलिस को नदी में मिला था, उसे देखने लगता है। वहां उन्हें वही सेम जॉब कार्ड मिलता है जो उन्हें केस्टेला के कबर्ड में मिला था। इसके बाद वो लोग बिट्रिज के घर जाने के लिए निकलता है, जहां पर रास्ते में उन्हें जीसस मिलता है। उन्हें वो जगह ढूंढने में परेशानी हो रहा था, इसी वजह से वो जीसस को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि जीसस को सभी जगह के बारे में मालूम होता है। वहां पहुंचने पर जीसस उनको दरवाजा खोलने में मदद करता है और फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। पेरो को ड्रॉयर में एक फोटो मिलता है, जिसमें बीट्रिज, केस्ट्रेला, कार्मेन और क्वीनी रहता है। इसके अलावा उन्हें एक पिक्चर स्लाइडर मिलता है, जिसके अंदर कुछ जगहों के फोटोज होते हैं। इसके बाद वो सभी एडेला की माँ के घर जाता है, जहाँ से उन्हें पता लगता है कि एडेला क्वीनी की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और 3 साल पहले उसे एक नौकरी मिली थी, जिसके लिए वो जा रही थी और तभी किसी ने उसे मार डाला। वो उन्हें एडेला की कुछ फाइल्स देती है, जिसे लेकर वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद जुआन और पेरो जाकर स्कूल के सामने क्वीनी का वेट करता रहता है और जब क्वीनी आता है और मरीना के साथ जाने लगता है, तब ये लोग उसका पीछा करने लगता है। क्वीनी मरीना को लेकर एक घर में चला जाता है और ये लोग कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ये लोग घर की तरफ देख ही रहा होता है कि अचानक क्वीनी पीछे से आकर पेरो के गले में चाकू रख देता है। इससे पहले कि वो कुछ बोले, जुआन तेजी से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे थप्पड़ मारने लगता है। पेरो उसे रोकता है और फिर क्वीनी से पूछता है कि उन दोनों लड़कियों के गायब होने के दिन वो कहाँ था। क्वीनी कहता है कि वो एक फ्रेंड के साथ था। क्वीनी ठीक से जवाब नहीं दे रहा होता, जिससे जॉन को गुस्सा आ जाता है और फिर से उसे मारने लगता है। फिर इसके बाद क्वीनी कहता है कि उस रात को वो पूरे वक्त मरीना के साथ था। फिर पेरो उसे एडेला और बिट्रिज की फोटो दिखाता है, पर क्वीनी उसे पहचानने से मना कर देता है और कहता है कि शायद वो लोग उसी दिन मिले होंगे। जॉन उसे जाने के लिए कहता है, जिस पर क्वीनी कहता है कि वो मेरा चाकू है। जुआन कहता है कि अगर हिम्मत है तो ले लो। क्वीनी उसे नहीं लेता और चला जाता है। इसके बाद जुआन और पेरो ड्रिंक पी रहा होता है, जहां पर जुआन पेरो से उन लड़कियों के बारे में डिस्कस करता है। जुआन कहता है कि वो सभी लड़कियां जवान थी। एडेला 77 को, बीट्रिज 78 को और केस्टेला और कार्मेन 80 को गायब हुई थी, और सभी के सभी उत्सव के दौरान ही गायब हुई थी। उन सभी लड़कियों में एक चीज कॉमन थी कि वो सभी क्वीनी को जानते थे। पेरो कहता है कि उसने क्वीनी के हाथ में वही ट्रायंगल टैटू देखा, जिसे उन लोगों ने उस फोटो में देखा था। खैर, इसके बाद जुआन एक लड़की के साथ वही रुक जाता है और पेरो गाड़ी लेकर चला जाता है। पेरो जाता है उस रिपोर्टर के पास जो उस दिन उस जगह पर आया था। पेरो उसे वो रोल दिखाता है और उसके बारे में बताने को कहता है। वो रिपोर्टर उसे मना कर देता है, जिस पर पेरो उससे एक डील करता है और उसके साथ उस केस का इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। रिपोर्टर कहता है कि ये कोई आम रोल नहीं है, इम्पोर्टेड है और बहुत कम ही लोग इसे यहाँ पर इस्तेमाल करते होंगे, और मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कौन कौन करता है। पर इसके बदले मुझे उन लड़कियों के ऑटोप्सी की फोटो चाहिए, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार का पेट पालना है। पेरो मान लेता है और वहां से जाने लगता है। जाते वक्त रिपोर्टर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को कहीं पर देखा है, मगर ठीक से याद नहीं आ रहा।
पेरो उसकी बात को इग्नोर करता है और चला जाता है। अगले दिन जुआन और पेरो कैस्टेला और कार्मेन की फ्यूनरल में जाता है, जहां पर रोसिता उनसे कहती है कि उसे कैस्टेला की बैंक पासबुक मिल गई है। वो कहती है कि उसके पति ने उसे गाड़ी में छुपा कर रखा था। इसे सुनने के बाद जुआन रिगो की तरफ देखने लगता है। फ्यूनरल खत्म हो जाता है और सभी वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद जुआन और पेरो रिगो के घर जाता है, जहां पर रोसिता जुआन को वो पासबुक दे देती है। दोनों रिगो के पास जाता है और उसे पासबुक दिखाकर कहता है कि हमें ये तुम्हारी गाड़ी में छिपा हुआ मिला, बताओ रिगो क्या चल रहा है। रिगो कहता है कि मैंने एक सेठ से पैसा उधार लिया था, बहुत सारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटियां इस शहर में रहे। जुआन पूछता है, तुमने पैसे अपने बेटियों के लिए उधार लिए? इस पर रिगो कुछ नहीं बोलता। पेरो बाहर चला जाता है और जुआन रिगो को थप्पड़ मारने लगता है और उसे सब कुछ सच बताने को कहता है। रिगो कहता है कि 2 महीने पहले घाट किनारे मुझे 1 किलो का हिरोइन का टुकड़ा मिला था, उसे मैंने बेच दिया और उस गाड़ी को खरीद लिया। उन लोगों को ये पता चल गया और वो लोग घर में आकर फ्रिज और टेलीविजन को ले गया, और अगर हमने पैसा वापस नहीं लौटाया तो वो लोग उस कार को और मेरा बोट भी ले लेगा, इसीलिए हमें यहाँ से जाना होगा, और ये कहकर वो रोने लगता है। जुआन वहां से चला जाता है और जाते वक्त वो पेरो से कहता है कि हमें यहाँ पर सिक्योरिटी तैनात करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि हिरोइन का मालिक कौन है। पेरो कहता है, मैं नदी में जाऊंगा और पता लगाऊंगा, और जुआन कहता है, मैं क्वीनी पर नजर रखूंगा। अगले सीन में क्वीनी मरीना को लेकर जा रहा होता है और जुआन उसका पीछा करने लगता है। इधर पेरो जाकर बोट्स में तलाशी लेने लगता है, पर उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं इधर क्वीनी और मरीना जाकर हंटिंग लॉज में घुस जाता है और जुआन झाड़ी में छिपकर उन पर नजर रखने लगता है। वो देखता है कि उनके अंदर जाने के कुछ देर बाद एक जैन सिक्स कार आता है और वहां से एक टोपी पहना हुआ आदमी निकलता है और घर के अंदर चला जाता है। जुआन देख ही रहा होता है कि कोई आकर उसके सर में मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब शाम हो चुका होता है और वो देखता है कि वो एक नदी किनारे पर है। वो वहां उड़ रहे पक्षियों को देखता रहता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहां पर पेरो कहता है कि मरीना अब घर में है और उसकी माँ कह रही थी कि वो ठीक है। वो ये भी कहता है कि मैंने सारे नावों में चेक किया मगर एक में भी कुछ नहीं मिला। कुछ देर बाद वहां क्वीनी को लाया जाता है पूछताछ करने के लिए, मगर वो मना कर देता है कि लॉज में सिर्फ वो और मरीना थी, कोई दूसरा इंसान नहीं आया था। इस पर जॉन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे रात के लिए थाने में ही रोक लेता है। अगले दिन उनके बॉस उन्हें वार्निंग देता है कि तुम लोग ऐसे ही किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले तुम लोग मुझसे पूछ लेना। इसके बाद वो दोनों मरीना के घर जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। मरीना उन्हें कुछ नहीं बताती और घबरा कर माँ को पुकारने लगती है। उसकी माँ आ जाती है और मरीना वहां से चली जाती है। ये दोनों भी वहां से निकल जाता है, पर जाते वक्त जुआन उनके टेलीफोन लाइन में एक रिकॉर्डर फिट कर देता है। इसके बाद वो लोग जीसस के साथ कहीं जा रहा होता है, पर रास्ते में उनके गाड़ी को रोक लिया जाता है और वही पहले वाला आदमी जिसे हमने शुरुआत में देखा था वो उन दोनों को लेकर बोट में चला जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी फरमिन उनसे कहता है कि रिगो को जो हीरोइन मिला था वो मेरा था, उसे वो मिला नहीं था, उसने चोरी किया था, पर इसके लिए मैंने किसी को नहीं मारा। वो ये भी कहता है कि एंजेलिता कोई मुर्डर से बात नहीं करती, वो मेरी पत्नी है, मैंने ही उस रात उन लड़कियों को वहां पर देखा था और उस इंसान को भी जिसने उस बैग को उस कुएं में फेंका था। मैं वहां 5 बजे एक सौदे के लिए रुका था और उसी वक्त एक डियान सिक्स कार मेरे पास से गुजरा जिसकी डिक्की पर एक स्टिकर लगा हुआ था। जॉन उसके कहे अनुसार एक स्केच बनाता है और कहता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगता है, पर जाते वक्त एंजेलिटा जॉन से कहती है कि मुर्डे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, समय हो चुका है। खैर वो लोग चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में होटल में जब जुआन एडेला के फाइल को देख रहा होता है तब उसे कवर में वही फोटो दिखता है जिसका स्टिकर फर्मिन ने गाड़ी में देखा था। वो लोग तुरंत एडेला के माँ के घर जाता है, जहाँ उसकी माँ से उन्हें पता चलता है कि जो आदमी एडेला को नौकरी के लिए ले गया था उसका नाम सबस्टियन था, उसी ने एडेला को क्वीनी से ब्रेकअप करने में मदद किया था। वो ये भी कहती है कि उसने एडेला को कुछ टॉवल दिया था जिसे उसने उस होटल से लाया था जहाँ पर वो काम करता था। होटल में फोन करने पर उन्हें पता चलता है कि सबेस्टियन का पूरा नाम सबेस्टियन रोबेरा गाल्वेज है। उसे होटल से निकाल दिया गया था पर उसके कुछ चीजें अभी भी वहां पर ही है। अगले सीन में जुआन उस टेप को डिकोड कर रहा होता है कि तभी कोई दरवाजे में एक लेटर छोड़ता है। वो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें उसे कल सुबह 7:30 बजे क्रॉस के सामने बुलाया जाता है।
इधर पेरो उस रिपोर्टर के पास जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि उस तरह का रोल यहाँ सिर्फ एक ही इंसान खरीदता है और उसका नाम है क्वीनी। फिर इसके बाद वो रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा पार्टनर रात को सोता है, और वो कहता है कि मुझे याद आ गया कि मैंने उसे कहाँ देखा था। वो सोशल पॉलिटिकल ब्रिगेड में था। उसने 1971 में एक प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की को शूट किया था, वो भी 2 बार। इन 9 सालों में वो काफी जल्दी बूढ़ा हो गया। ये देखकर अच्छा लगा, शायद वो रात को ठीक से सो नहीं पाता होगा। पेरो उसकी बात को सुनता है और फिर चला जाता है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे जुआन जाकर क्रॉस के पास इंतजार कर रहा होता है। एक कार आता है जिसमें रोशिता और मरीना होती है। रोशिता जुआन के पास आती है और उस दिन लॉज में मरीना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बताने लगती है। वो कहती है कि मरीना और मेरी बेटी क्लोज फ्रेंड्स थी। उस दिन लॉज में जब मरीना और क्वीनी साथ में था, तब क्वीनी ने उसे कपड़े नहीं पहनने को कहा और उसे बेड के साथ बांध दिया। इसके बाद वो रूम से बाहर चला गया और एक दूसरे इंसान के साथ वापस आया। मरीना उसे नहीं देख पाई, पर उसका हाथ बहुत मुलायम था और उसमें से महंगे इत्र का खुशबू आ रहा था। उसने मरीना की फोटो खींचा और क्वीनी ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं ये फोटोज पूरे शहर में फैला दूंगा। रोशिता ने उसे ये भी बताया कि जिस दिन मेरी बेटिया गायब हुई थी उस दिन क्वीनी मरीना के साथ था, मगर पूरी रात नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। इधर पेरो उस होटल में जाता है जहाँ सबस्टियन काम करता था। वहाँ एक स्टाफ मेंबर से उसे पता चलता है कि सबस्टियन ने एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न किया था, जिसके कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके सूटकेस को खोलने पर पेरो देखता है कि वहाँ पर वही एडवर्टाइजमेंट वाला कार्ड है जो उसे उन लड़कियों के पास से मिला था। ये सब जानने के बाद पेरो वापस शहर के लिए निकल जाता है। इधर जुआन वहाँ के लैंडलॉर्ड केरल के पास जाता है, और जब वो जाने लगता है तब जुआन उसके पास जाता है और उसे हाथ मिलाता है। उसका हाथ बहुत मुलायम होता है और उसके चले जाने पर वो अपना हाथ स्मेल करता है। इधर वापस आते वक्त पेरो को वो DN6 कार दिख जाता है और उसका पीछा करने लगता है। उस कार वाले को ये पता चल जाता है और वो पेरो को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने बॉस के पास जाता है जहां उनके बॉस किसी को फोन करता है और फिर उन्हें कहता है कि ऑफिशियल के हिसाब से केरल के प्रॉपर्टी में कोई भी डियांसिस कार नहीं है, और मरीना के माँ ने कहा है कि मरीना फिल्म देखने गई है। पेरो बॉस से केरल का DNA टेस्ट करवाने की मांग करता है, पर बॉस मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है और बिना सबूत के हम किसी का भी DNA टेस्ट नहीं कर सकते। जॉन ने उस दिन सिर्फ एक टोपी पहने हुए आदमी को देखा। टोपी तो मैं भी पहनता हूँ, तो क्या इसका मतलब मैं वो किलर हूँ? और ये कहकर वो उन्हें जाने के लिए कहता है। पेड्रो कहता है कि आप उन लोगों को बचा रहे हो, और ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाता है। जॉन वहाँ पर कुछ नहीं बोलता, जिस पर पेड्रो कहता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो, मुझे पता है कि तुमने 71 में क्या किया था। इस पर जॉन उसका शर्ट खींचता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, वो मैंने नहीं किया, मेरे पार्टनर ने किया था, मैंने तो अपना बंदूक निकाला भी नहीं, उसे बचाने के लिए इल्जाम मैंने अपने सर ले लिया, क्या ये गलत है? इसके बाद जॉन गाड़ी में बैठकर मरीना ने जिस नंबर पर फोन किया था उसे डिकोड करता है और पता चलता है कि वो नंबर हंटिंग लॉज का है। वो दोनों जीसस के साथ सीधा लॉज के ओनर के घर जाता है और पेड्रो उसका गला पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है। वो उसे सबस्टियन के बारे में पूछता है, पर वो औरत कहती है कि उसे नहीं पता। जुआन पेरो को रोकता है और उस औरत को बिठाकर एस्टेला और कार्मेन के बारे में बताने लगता है कि कैसे उन लड़कियों को टरपा टरपा कर मारा गया था। वो औरत रोने लगती है और कहती है कि उसे ये नहीं पता था। जुआन के पूछने पर वो कहती है कि उस टोपी वाले इंसान का नाम सबस्टियन है, उसकी माँ मेरी फ्रेंड थी, उसे छुपने के लिए जगह चाहिए था इसीलिए मैंने उसे रहने दिया। जॉन पूछता है कहाँ है वो। इस पर वो औरत कहती है कि वो लॉज के पास उस निर्जन घर में है। वो लोग तुरंत उस घर में जाता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है। घर में इस वक्त कोई नहीं होता, पर उन्हें वहां से उन लड़कियों के चीजें मिलते हैं। इससे उनको ये साफ हो जाता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि सबास्टियन है। उसी वक्त जीसस बाहर से चिल्लाता है कि एक डांसेक्स गाड़ी आकर इधर से जा रहा है। वो लोग तुरंत गाड़ी में बैठता है और उस डायरेक्शन में जाने लगता है। बारिश की वजह से गाड़ी स्लिप करने लगता है और फिर फंस जाता है। जीसस कहता है कि ये रोड सिर्फ मार्शलैंड को जाता है और मुझे उसका शॉर्टकट मालूम है, और फिर वो तीनों खेत से होकर जाने लगता है। तभी एक गोली चलता है और जीसस गिर जाता है। वो पीछे जाने लगता है और जॉन और पेड्रो आगे बढ़ने लगता है। जॉन छावनी से होकर आगे बढ़ता है और वाटरपूल के पास उसे वो कार दिख जाता है। वो पेड्रो की तरफ देखता है और मुड़ता ही है कि उसे गोली मार देता है। पेड्रो उसे फ्रीज कहता है, पर सबस्टन उसे भी गोली मार देता है, और फिर इसके बाद वो जाकर पेड्रो को खींचते हुए कार के सामने लाने लगता है।
इधर जॉन उठता है और जैसे तैसे जाकर उस चाकू को निकालता है और उसे घोंपने लगता है। सबस्टेन पूरी तरह जख्मी हो जाता है और वो पानी में गिरकर मर जाता है। इसके बाद जॉन चाकू को फेंक देता है और जाकर डिक्की को खोलता है। वहां मरीना बंधी हुई होती है और जब जॉन उसे खोलता है तब मरीना उसके गले लगकर रोने लगती है। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले दिन पुलिस क्वीनी को पकड़कर ले जाता है। फिर इसके बाद शाम को वो सभी सेलिब्रेट कर रहा होता है जहां पर पेड्रो उस रिपोर्टर से मिलता है और कहता है कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिला था, जॉन ने उस लड़की को नहीं मारा था। इस पर वो रिपोर्टर उसे एक पैकेज देता है और कहता है कि इसका एक ऑफिशियल रिपोर्ट आया है। उस दिन उसने अकेले ही 100 से ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया था और वो इसमें सबसे बेहतर था, तुम संभाल कर रहना, ऐसा कहकर वो चला जाता है। इसे सुनने के बाद पेरो जॉन की तरफ देखने लगता है और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन वो लोग वापस जाने वाला होता है जहाँ गाड़ी में बैठते वक्त पेरो जॉन की तरफ देखने लगता है। इस पर जॉन उससे पूछता है कि क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक है। इस पर वो हाँ कहता है और फिर गाड़ी में बैठकर चला जाता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाता है। तो गाइज लास्ट के सीन में पेरो समझ पाता है कि जॉन भी दूसरों के जैसा ही है, उसका भी एक काला अतीत है, बस यही फर्क है कि वो अब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। खैर एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। बाय।